हाई एवरी वन वेलकम टू करण क्रांस टू डे वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ विजन आईस मंथली मैगजीन विच इज सिक्योरिटी दर्स टॉपिक दैट वी हैव टू कवर हेयर इज इंटरनेशनल टेररिज्म अब ये क्यों हम पढ़ रहे हैं बिकॉज रिसेंटली इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्टर हैज़ कॉल्ड ऑन छंग कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टू एलिमिनेट टेररिज्म अब टेररिज्म के बारे में पढ़ने से पहले लेट सी एस सी ओ है क्या तो एस सी ओ आपका एक इंटर गवर्नमेंटल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है ये कॉपोरेट करवाता है जो इसकी मेम्बर कंट्रीज हैं उनको इन द फील्ड ऑफ लाइक आपका पॉलिटिक्स हो गया सिक्योरिटी हो गया इकोनमी कल्चर एक्सेट्रा ठीक है तो इन ऐसे सारे फील्ड में इनकी कॉपरेशन जो है उसको प्रमोट करता है एस ये फाउंड हुआ था टू थाउजेंड में फाउंड किया गया था और इनिशियली कौन इसके मेंबर्स थे रशिया चाइना किर्गिस्तान किर्गिस्तान उजबेकिस्तान ताजिकिस्तान कजाकिस्तान ठीक है ये सारी कंट्रीज इनिशियली इसमें इंक्लूडेड uh, थी और इंडिया पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया टू सेवेंटीन में एज फुल टाइम मेंबर्स इंडिया में पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया है ठीक है तो ये हमारा एस था अब देखते हैं मोर अबाउट न्यूज इंडिया जो है इट हैज अशनल कमिटमेंट टू फाइट द इवल ऑफ टेररिज्म ठीक है हमें इवल ऑफ टेररिज्म को फाइट करना हमारे लिए एक नेशनल कमिटमेंट है लेकिन उतना काफी नहीं होगा इसीलिए हमें इसको हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे यह आवाज उठानी पड़ती है क्योंकि एक ट्रांस नेशनल क्रिमिनल एक्ट है दैट मीन्स एक कंट्री में होगा इसका असर आपको दूसरी कंट्रीज में भी देखने को मिलेगा इसीलिए इंडिया हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इसके खिलाफ आवाज उठाता है और एम्फेसाइज करता है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ टेरर के अगेंस्ट हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए हर कंट्री की ठीक है अब देखते हैं टेररिज्म है क्या अगर आप डेफिनेशन इसकी याद करना चाहो तो आप कर सकते हो फोर्सफुल एंड अनलॉफुल मेथड टू अचीव द डिजायर गोल एंड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी स्पेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ बीट इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल ठीक है देखो ये जो है आप इसमें ज़्यादा प्री की इंफॉर्मेशन आपको मेंस की ज़्यादा रिलेटेड मिलेगी तो हो सकता है मेंस में ऐसे क्वेश्चन आए तो डेफिनेशन के जो कुछ कीवर्ड्स हैं वो आप याद रख सकते हो अब फैक्टर्स क्या होते हैं टेररिज्म के कुछ रीजन होंगे जिसकी वजह से लोग इतने मास स्केल पे डिस्ट्रक्शन करने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं उसके क्या रीजन है पहला हम देखते हैं आइडियोलॉजिकल कॉजेस ठीक है आइडियोलॉजिकल कॉजेज में क्या हो गया आपके जैसे आपके आइडियोलॉजीज उसी में अगर प्रॉब्लम हो दैट इज ऑफन ड्रिवन बाई योर रिलीजियस एंड पोलिटिकल बिलीफ ठीक है ये मोटिवेट करता है इंडिविजुअल्स को एंगेज करने के लिए इन द एक्ट ऑफ टेरर अगर आप किसी को मैनिपुलेट करो किसी को ब्रेन वॉश करो ठीक है तो रिलिजन और पॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसको यूज करके कि आप किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो टुवर्ड्स द एक्ट ऑफ टेरर आप उनको टेररिज्म आप उनको ले सकते हो फाइन तो थ्री मोस्ट एक्सट्रीम मेन आइडियोलॉजीज आपके लेफ्ट विंग कम्युनिज्म राइट विंग कैपिटलिज्म एंड रिलीजियस आइडियोलॉजीज लेफ्ट विंग कम्युनिज्म ये क्या कहते हैं बेसिकली ये कहते हैं कि सोशल सेटअप ही सारा चेंज करो आप ये करंट सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करके थ्रू प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन एक नया सोशल सेटअप जो है वो लाना चाहते हैं प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन क्या है बेसिकली ये कहते हैं सोसाइटी में आपके हैव होते हैं और हैव नॉट्स होते हैं आपके वर्कर्स वगैरह मजदूर तबका हो गया आपका गरीब तबका ये कहते अल्टीमेटली उनकी हुकूमत आएगी वो रिवॉल्व करेंगे बहुत मास रेवोल्यूशन होगा ठीक है है और जो करंट सोशल सेटअप वो सारा टॉपल डाउन हो जाएगा और फिर रूल कौन करेंगे प्रोलिटेरियज ये इनकी बेसिक आइडियोलॉजी है काफी लंबा है यहाँ पे विल स्टिक टू द करंट पार्ट राइट विंग कैपिटलिज्म आपका लेजी फेयर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा सुना होगा जिसमें गवर्नमेंट मिनिमम इंटरवेंशन करे प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन uh, है वो आपकी इकोनॉमी रन करें जो मार्केट ये जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज़ के वो मार्केट डिटरमिन करें ठीक है वो आपका कैपिटलिज्म एंड रिलीजियस आइडियोलॉजीज जब ये तीनों आइडियोलॉजीज किसी भी एक्सट्रीम में चली जाती हैं वो भी मैनिफेस्ट करता है फॉर्म ऑफ टेररिज्म एथनो नेशनलिज्म एंड सेपरेटिज्म एथनो नेशनलिज्म मीन्स आपको लगे कि आपकी जो आपका ये नेशनलिज्म है आपकी एथनिक आइडेंटिटी है वो सबसे बेटर है वो बाकियों से बेटर है ठीक है आप इसको एथनोसेंट्रिज्म बोलते हो एक जेंड्रिक टर्म में एथनोसेंट्रिज्म मींस आपका जो है वो ही आपका कल्चर बेटर है आपकी नेशनल आइडेंटिटी बेटर है आपकी एथनीसिटी बेटर है ठीक है तो ये आपको कहाँ ले जाता है टूवर्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन कि हमें अलग ही कर दो फिर ठीक है तो ये भी एथनो नेशनलिज्म एंड सेपरेटिज्म ये भी एक मैनिफेस्टेशन uh, है आपके फॉर्म ऑफ टेररिज्म का जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलती हैं जैसे पंजाब में कश्मीर में तो ये सब बूस्ट करता है किसको टेररिज्म को ग्लोबलाइजेशन ठीक है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है अभी आपकी कम्युनिकेशन मोबिलिटी वगैरह ये सारी चीजें इजी हो गई हैं अवेलेबिलिटी ऑफ टारगेट्स एंड ऑडियंस अगर अभी कोई जैसे आईएसआईएस की रिक्रूटमेंट ऑनलाइन रिक्रुटमेंट ने काफी ज्यादा की तो ये सारा किसान पॉसिबल है ग्लोबलाइजेशन से टेररिज्म एज फॉरन पॉलिसी ठीक है किसी कंट्री की अगर पॉलिस फॉरन पॉलिसी में टेररिज्म हो तो वो ऑल्टरनेटिव टू वॉर है क्योंकि वॉर में तो एक तो आपकी बदनामी इतनी है और खर्चा साथ में इतना ज्यादा है जो आप एफोर्ड नहीं कर पा सकते ठीक है आपके अपने लिए भी वो लोगों के लिए बहुत बुरा है इस वजह से अगर इसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो उस कंट्री में टेरर एक्ट्स करो और आपका जो काम है वो निकल जाए उस कंट्री को आप करने की कोशिश करो जैसे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ तालिबान अलकायदा उसामा बिल नादन की रिलेशनशिप से क्योंकि वहां पे पाकिस्तान के ग्राउंड पे उन्हें कैंप्स बनाए जहां पे लोगों को ट्रेन किया और कश्मीर इंसर्जेंसी में वो फॉर दिस ऑनगोइंग स्ट्रगल विद इंडिया जो है उसमें उनको हेल्प मिली ठीक है पोअर सोसाइटीज विद वीक स्टेट स्ट्रक्चर अब देखो ये सब चीजें कहाँ होती हैं जहाँ पे लोग गरीब होते हैं जहां पे आपके पास आपकी इकोनॉमी उतनी वेल डेवलप्ड नहीं है वहीं पे आप लोगों को इंडोक्टिनेट कर सकते हो ये सारी चीजें बोल सकते हो जो अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है उसका लाइफ स्टाइल अच्छा है तो वो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा इंटरनेशनल जस्टिस इनजस्टिस अगर आपको पता है इंटरनेशनल इनजस्टिस कहीं पे हुई है तो भी ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनना इजी हो जाता है ठीक है जैसे आईएसआईएस ने कहा इराक में सीरिया में कुछ गलत हुआ तो इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन आई तो इंटरनेशनल इन को भी यूज करके आप टेररिज्म को बूस्ट कर सकते हो ग्लोबल इनिशियटिव क्या है टू काउंटर टेररिज्म पहला है यूएन का ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी ये अडॉप्ट की थी इन द फॉर्म ऑफ ए जनरल असेंबली रेजोल्यूशन टू थाउजेंड में ये क्या करता है एम्स तो टू एनहांस नेशनल एंड रीजनल इंटरनेशनल एफर्ट्स काउंटर करने के लिए टेररिज्म को ठीक है तो बेसिकली जो हम इनिशिएटिव्स पढ़ेंगे वो सारे काउंटर करते हैं टेररिज्म को ही इसमें चार पिलर्स हैं आप देख सकते हो. क्या conditions, conditions, मैंने अभी आपको बताया आइडियोलॉजी होती है आपकी ठीक है ग्लोबलाइजेशन टेरिज्म पॉलिसी क्या क्या ऐसी कंडीशन है सॉरी जो एंड कॉम्बैट करना कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करता है एंड एंश्योर शो रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड रूल ऑफ लॉ इज अ फंडामेंटल बेस ऑफ द राइट अगेंस्ट टेरिज्म जहां पे टेररिज्म की बात आती है वहां पे ह्यूमन राइट्स का इशू भी आ जाता है कि कहीं आप किसी गलत इंसान को तो नहीं पकड़ रहे या टेररिज्म को फाइट करने के चक्कर में आप सिविलियंस के साथ तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी यूएनएससी का रेजोल्यूशन है रेजोल्यूशन वन थ्री सेवन थ्री ठीक है ये किस कमेटी के अंडर आता है काउंटर टेररिज्म कमेटी सी टी सी ये क्या कहता है कि ऐसे रिक्वेस्टेड द कंट्रीज टू इंप्लीमेंट एस मेजर्स टू एनहांस एबिलिटी टू काउंटर टेररस एक्टिविटीज एट होम ठीक है अपने आप को ये एबिलिटी बढ़ाओ काउंटर करने के लिए टेररस एक्टिविटीज को होम में रीजन्स में एंड अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम जी सी टी एफ इंडिया इसका मेम्बर है ये इनफॉर्मल ए पॉलिटिकल मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है डिस्कस करने के लिए अमंग द स्टेक होल्डर्स जो भी एंड एक्सपर्ट्स एंड प्रैक्टिशनर्स अक्रॉस दर्ल्ड वर्ल्ड रीजन जो भी प्रॉब्लम टेररिज्म को लेकर हो रही है उसके लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म डिस्कशन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में वो इस फोरम का काम है यूनाइटेड नेशन काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रेवल प्रोग्राम ये फ्लैगशिप ग्लोबल इनिशिएटिव है ऑफ यू एन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म यू एन ओसी टी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये भी कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान देता है और ये कैसे हम यूज कर सकते हैं बाई यूजिंग इंटरनेशनल डेटा बेसिस लाइक इंटरपोल डेटा बेस ठीक है इंटरपोल डेटा बेस में आपके जितने भी क्रिमिनल्स क्रिमिनल वर्ल्ड वाइड क्रिमिनल्स जितने भी हैं ठीक है थीके? उनका सारा डेटा होता है इंटरपोल में ये ग्लोबल पुलिस करके आप समझो इसको इंटरपोल को इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है वो आप कॉमेंट्स में आप लिख दो तो उसको यूज करके ये जो प्रोग्राम है ये हम चलाते चलाते हैं ये प्रोग्राम फाइनेंस एफ ए टी फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स ये हमने अभी पहले किया था जब हम ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन में तो मैंने आपको कहा था मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग वगैरह जो भी मनी ट्रेड होता है कंट्री टू कंट्री ग्लोबली जो पैसा uh, इधर से उधर हो रहा है कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है और टेरर फाइनेंसिंग कहाँ पे हो रही है क्या वो सब देखना है एपीटीएफ का, का काम है एस सी ओ की रैट्स रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर ये डेवलपमेंट स्ट्रेंथन करता है कॉपरेशन विद इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन टू कंसोलिडेट एफर्ट टूवर्ड्स काउंटर टेररिज्म सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म ठीक है वैसे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है ये कौन देता है आईईपी ई बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऐसी चीजें आपकी प्री के लिए इंपॉर्टेंट होती है ये आप पूरी के लिए याद रख सकते हो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म टू बेटर अंडरस्टैंड गाइड द रिक्वायर्ड पॉलिसी रेस्पॉन्स ठीक है इससे आप जितना इसका जो इंडेक्स आप देखोगे इससे आपको पता चलेगा कैसी पॉलिसी रेस्पॉस हमारी होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म सीसीआईटी क्रिमिनलाइज़ जितने भी सारे फॉर्म के इंटरनेशनल टेररिज्म है करना को, like, आप कंट्री में पनाह देते हो एक टेररिस्ट को ठीक है उसको आप प्रोटेक्ट भी करते हो जैसे पा, जैसे पाकिस्तान ने उमा बिल नादिन के साथ किया ये सारी चीजों को रोकना इसको प्रपोज किया था इंडिया ने ऑन सेवनटीन दिसंबर ठीक है चैलेंजेस टू तो काउंटर इंटरनेशनल टेररिज्म क्या अब चैलेंजेस हमारे पास आते हैं इंकाउंटर करने के लिए टेररिज्म को हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं पहले तो एम्बिगुटी है अराउंड द डेफिनेशन ये हमने पहले भी इंटरनेशनल रिलेशन में देखा वहां भी मैंने आपको ये डिटेल में बताया था कि टेररिज्म के अभी कोई डेफिनेशन नहीं है एक यूनिफाइड सिंगल डेफिनेशन क्यों नहीं है उसका रीजन भी बताया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है एलपुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लो आप वो देख सकते हैं लैक ऑफ कॉम्प्रेहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क द इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू टेररिज्म इज नॉट कंसॉलिडेटेड ठीक है कोई एक डेफिनेट कॉम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क नहीं है बस कुछ कुछ अलग अलग सोर्सेज में टेररिज्म के बारे में जो लिखा है बस उसी पे ही हम चलते हैं जैसे कुछ ट्रीटीज है या सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली रेजोल्यूशन एंड ज्यूर स्टूडेंट्स ठीक है तो ऐसे ऐसे अलग अलग सोर्सेज में जो मैंशनड है उसी पे हमारे एक्शन बेस्ड होते हैं एक यूनिफाइड कुछ लीगल फ्रेमवर्क नहीं है टेररिज्म को लेके इन इनएडुकेट डोमेस्टिक कैपेसिटी डोमेस्टिक ही हमारे पास जो है उतना कैपेसिटी नहीं है टेररिज्म को फाइट करने की तो इस वजह से हमारे जो सारे एफर्ट्स हैं वो इनफेक्टिव रह जाते हैं टेररिज्म क्राइम जो होते है हैं वो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नेशनल क्रिमिनल लॉ रेस्ट्रिक्शन ऑफ सिविक फ्रीडम्स अब देखो टेर्रिज्म को रोकना है और हमें यहाँ से ह्यूमन राइट्स भी वायोलेशंस uh, भी नहीं होनी चाहिए

पर इस चीजों को रोकना फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को काउंटर करना आसान बिल्कुल भी नहीं है अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड से पहले देख लेते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिसी इनिशिएटिव क्या क्या है इसको लेके यू आपका है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ठीक है ये क्या करता है इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज इंडिविजुअल्स की भी और एसोसिएशन की भी एक एन भी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो फंक्शन करता है एज सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन द कंट्री एक आपका नेट ग्रिड भी है जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है काउंटर टेररिस्ट कैपेबिलिटीज एनहेंस करने के लिए और नए दो डिवीजन बने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिविजन एंड साइबर एंड सिक्योरिटी डिविजन ठीक है काउंटर करने के लिए टेररिज्म को रेडिकलाइजेशन को साइबर सिक्योरिटी वगैरह देखने के लिए ये दो डिपार्टमेंट्स भी बने तो डोमेस्टिक पॉलिसीज आ गई देख लेते हैं एनहांस एनहेंस स्टेट की कैपेसिटी एंड टू प्रिवेंट एंड है कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए उसके लिए जो हमारे एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन टेररिज्म को लेके जैसे एंटी टेररिज्म स्क्वाड हो गया या एन आई ए हो गया ठीक है ठीक है इनका हमें क्या करना चाहिए इनकी कैपेसिटी स्ट्रेंथन पे ध्यान देना चाहिए कैपेसिटी बिल्डिंग पे आइडेंटिफाई करो गैप्स इन कैपैसिटी टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट टेररिज्म की गैप्स क्या है हमारे पास कितनी कैपैसिटी है कॉम्बैट करने के लिए टेररिज्म की और हम कितना काम कर रहे हैं टेररिज्म के अगे जो गैप है उसको फिल करो और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जितनी सारी हैं वो आपस में कॉपरेट करके काम करें वो कौन कौन सी हैं आपका एन हो गया एंटी टेररिज्म हो गया या आपका रॉ आ गया सी हो गया इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया या स्टेट के अलग जो पुलिस डिपार्टमेंट्स होते हैं वो हर स्टेट के अलग तो इनको आपस में कॉपरेट करके काम करना चाहिए अगेंस्ट टेररिज्म और बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम पे भी हमें ध्यान देना चाहिए उसको रिफॉर्म और मॉडर्नाइज करने के लिए अब देख बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में देखो क्या होता है अगर आप इसमें एक एग्जाम्पल देखो ये आपका इंडिया हो गया ये नॉर्दर्न पार्ट ठीक है और यहाँ से बॉर्डर मिलता है किससे पाकिस्तान से अगर देखिए किन किन स्टेट से गुजरता है जे एंड का बॉर्डर आपको मिलेगा हिली एरिया हिली ट्रेन यहाँ से आपको मिलेंगे प्लेन्स यहाँ पे आपको मिलेगा डेजर्ट एरिया गुजरात वाला एरिया ठीक है पंजाब वाले प्लेन्स हो गए राजस्थान गुजरात ये डेजर्ट वाले में इंक्लूड हो गया तो आप देखो इस वजह से हम प्रॉपर बॉर्डर फेंसिंग नहीं कर सकते क्योंकि कंट्री की टोपोग्राफी ऐसी है कहीं पे प्लेन है कहीं पे डेजर्ट है कहीं पे hilly एरिया है इसलिए तो हमें बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम पे ध्यान देना पड़ेगा उसको मॉडर्नाइज करने पे वहाँ नई टेक्नोलॉजी जो है वो अप्लाई करने पे और उसको रिफॉर्म करने के लिए आगे चलते हैं फोकस करो रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वो क्या कर सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करो स्टेट को स्टेट को चाहिए कंप्लाई करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड ऑब्लिगेशन के साथ जो बने हैं टेररिज्म के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी प्रॉब्लम्स uh, को इस नेक्सेस को डिस्कस करना ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना ताकि हम ईजिली इन चीज़ों को हम लोकेट कर पाए कि कहाँ कहाँ हो रही हैं और ये कैसे काम करती है इम्प्रूव करो एंड एफिशिएंसी ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस डिलीवरी ठीक है जो भी टेक्निकल असिस्टेंस डिलीवरी यहाँ पे होती है स्टेट्स में उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाना और एनहास करो कोऑर्डिनेशन विद इन दू एन यूनाइटेड नेशन सिस्टम प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन काउंटरिंग टेररिज्म ठीक है यूएन सिस्टम को भी यूज करना यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी आपस में क्या करना कॉपरेटिवली काम करना काउंटर करने के लिए टेररिज्म आगे चलते हैं इंटीग्रेट जेंडर इनटू काउंटर टेररिज्म अब हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं प्रमोट करना एजेंडाज ऑन वेमेन पीस एंड सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन सब चीजों में जेंडर इश्यूज जो है उनको रेज करना और इंक्लूड करना जेंडर पर्सपेक्टिव इन इनकाउंटरिंग टेररिज्म वो उन चीजों में किस पे फोकस करना जहां पे जेंडर पर्सपेक्टिव की बात आती है काउंटर करने के लिए टेररिज्म को तो किन किन चीजों पे फोकस करना वुमेन एंड गर्ल गर्ल्स एज विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म वो विक्टिम्स भी है ठीक है वो प्रिपेट्रेटर्स भी हैं वो कैसे देखो अगर आप अभी देख रहे हो न्यूज़ में सीमा हैदर का केस चल रहा है तो अभी पूरा क्लियर नहीं है कि वो एक्चुअली शादी करने आई थी या कोई कोई ऐसा एजेंट या कोई और बात है टेररिज्म इसमें कुछ पर्पज इन्वॉल्व है तो इसीलिए वुमेन को एज प्रिपेट्रेटर्स फैसिलिटेटर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ टेररिज्म भी हम वैसे पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं वुमेन एज एजेंट इन प्रिवेंटिंग एंड काउंटरिंग टेररिज्म कैसे यूज कर सकते हैं उनको एज एजेंट्स इन प्रिवेंट एंड काउंटरिंग टेररिज्म ठीक है डिफरेंशियल ऑफ काउंटर उंटर टेरिज्मीज ऑन वेमन एंड वुमेन राइट जो भी काउंटर टेरिज्मीज है उनका क्या असर पड़ता है पे और राइट पे जैसे देख लो कई अंडर कावर एजेंट्स होते हैं या स्पाइज होते हैं ठीक है तो वो कब जाते हैं घर से निकलते हैं फिर वो वापस आए भी ना आए वो जिंदा रहे ना रहे उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है फैमिली को छोड़ के आते हैं जो वुमेन उनकी फैमिली की होती है बाद में उनके राइट्स कैसे इसमें सारे उनको नहीं मिल पाते हैं उनके राइट्स तो वो सारी चीज़ें भी वो पर्सपेक्टिव्स भी हमें इसमें देखने पड़ेंगे एंश्योरिंग प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अब देखो काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज करना और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना इसके बीच में एक थी लाइन है हमें वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए प्रमोट द आइडिया ऑफ रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स बाइल्ड काउंटरिंग टेररिजम इज क्रिटिकल टू टू दल्टीमेट सक्सेस ऑफ एनी काउंटर टेरिज्म स्ट्रैटेजी कोई भी सी टी एस अगर हो काउंटर टेरिज्मी हो उसमें जो अल्टीमेट सक्सेस तभी बोलेंगे की हाँ वो पूरी हुई है जब उसमें ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखा गया हो पूरा पब्लिक अवेयरनेस रेस करना पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट ऑफ टेररिज्म ठीक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थ्रू प्राइवेट सेक्टर सिविल सोसाइटी मीडिया जहां जहां पे जरूरी हो वहाँ पे वैसा कुछ रिलेशनशिप पार्टनरशिप स्टैब्लिश करना क्लैरिफाई करना कि ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस अगर हम इसकी बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म को जैसे काफी ह्यूमन राइट बॉडीज है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे एरियाज में जाते हैं जो टेरर इफेक्टेड एरियाज होते हैं या अगर टेररिज्म अभी अगर कोई किसी प्रूव नहीं हुआ है कि वो इन्वॉल्व उसकी ह्यूमन राइट्स की बातें अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है और ये बातें होती हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सपोर्ट कर रहे हो टेररिज्म को क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है सिविल सोसाइटी को भी एंगेज करना डेवलप करने के लिए रेजोल्यूशन ऑन काउंटर टेररिज्म ठीक है तो ये आपका हो गया टेररिज्म पे नेक्स्ट टॉपिक जो हमें इसमें कवर करना है वो है ड्रग मेनेस इन इंडिया देखो ड्रग मैंने सम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली केरला कोस्ट के पास इन ए जॉइंट ऑपरेशन बाय नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड इंडियन नेवी सीज़ किया गया है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड किलोग्राम ड्रग्स कौन सा मिथम फिटामीन ठीक है ये जो मिथम फिटामीन है ये एम फिटामिन फैमिली को बिलोंग करता है और ये कैसे काम करता है ये आपके दिमाग में एक हार्मोन डोपमीन आपने सुना होगा उसको रिलीज करता है उससे आप इंस्टेंट वो एक फीलिंग ऑफ प्लेजर आती है इंसान में या रिलीज़ ऑफ़ एक इंस्टेंट एनर्जी जैसी uh, इंसान फील करता है इसका जो इम्पैक्ट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है

ये पार्ट है ऑफ यूनियन गवर्नमेंट्स प्लान टू मेक इंडिया ड्रग फ्री बाय 2047 अब ये देख लो ये अभी तक का लार्जेस्ट सीजर रहा है ऑफ पहली बार इतना सारा कहीं पे uh, मिला है uh, इनको ऑफिशियल्स को द सीजर वाज डन एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन समुद्र गुप्त ठीक है ये थोड़ा आपके प्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई मिथम के बारे में भी थोड़ा सा प्री में आ सकता है रीजन क्या है फॉर ड्रग मैनेज इंडिया क्यों यहाँ पे आपको ड्रग की प्रॉब्लम हमें पता है काफी बढ़ रही है और उसके रीजंस क्या है पहला तो ज्योग्राफिकल लोकेशन अब ज्योग्राफिकल लोकेशन आप ये देख लो इंडिया जो है ये किस किस के बीच में है नाइंटी परसेंट ऑफ डिमांड ऑफ दीज ड्रग्स जो है इज मेट बाय दीज नेशंस एक साइड से आपका इसको थोड़ा जूम कर लो एक साइड से आपका ये आ जाता है गोल्डन क्रीसेंट जिसमें ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान हो गया और दूसरे साइड से आपका आ जाता है गोल्डन ट्राइंगल ठीक है ये जिसमें बर्मा थाईलैंड एंड वियतनाम हो गया और इंडिया इन सब के बीच में आता है और नाइन्टी परसेंट जो है वर्ल्ड डिमांड ड्रग्स ही वो इन दो एरिया वो ये दो एरिया प्रूव ये करते हैं ठीक है मीट करते हैं अब इंडिया इनके बीच में है तो इंडिया के बीच में भी ये ड्रग्स वगैरह आना इसकी सेल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से सेकेंडली देख लो सी रूट्स बीइंग यूज्ड यहाँ से चाहे आ जाए यहाँ से चाहे या आ जाए सेवेंटी परसेंट ऑफ टोटल इलीगल ड्रग्स जो है वो कहाँ से होता है अरेबियन सी एंड ऑफ बंगाल से तो हमारी लोकेशन ऐसी है कि एनवायरमेंट कंडीसिव बन जाता है ड्रग पेडलर्स के लिए यूज ऑफ कैरियर सर्विस एंड पोस्टल सर्विस जब से ये सर्विस इम्प्रूव हुई है तब से ड्रग स्मगलिंग भी काफी ज्यादा बढ़ गई है थ्री हंड्रेड परसेंट इन ट्वेंटी ट्वेंटी एंड टू हंड्रेड परसेंट इन ट्वेंटी ट्वेंटी नार्को टेरर एंगल आप देखो ड्रग्स और टेररिज्म टेरर ये भी लिंक्ड है फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान अलॉन्ग विद आई एस आई आर एक्टिवली पुशिंग ड्रग्स थ्रू द लैंड एंड सी बॉर्डर वहां के किसी भी स्टेट में अगर ड्रग ये ज्यादा वहां की सेल्स और ड्रग्स की हो जाती है तो आप वहां का बेसिकली क्या होता है आप वहाँ के यूथ को एकदम से अनप्रोडक्टिव कर देते हो तो वो आपकी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है वो स्टेट के लिए अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है क्राइम्स आप उनसे ज्यादा करवा सकते हो जो ड्रग एडिक्ट्स बन गए हैं तो इसीलिए अगर आपको किसी स्टेट को अंदर से खोखला करना है तो वहां पर आप ड्रग्स वाले जो ये काम है ड्रग पेडलिंग है वो करना स्टार्ट कर दो नार्को टेरर एंगल भी हो गया ऑर्गेनाइज गैंग्स जो है जो पहले एक्सटॉशन एक्टिविटीज करती थी लोकल एरियाज में उनको हम ड्रग ट्रैफिकिंग एंड गन रनिंग के लिए यूज कर सकते हैं पोरस बॉर्डर्स बॉर्डर्स की बात मैंने पहले भी की थी हमारी टोपोग्राफी ऐसी है कि हमारे बॉर्डर्स काफी पोरस हैं चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो या इंडिया नेपाल का बॉर्डर हो तो वहां से भी इलीगल जो इनकी स्मगलिंग है वो ईजी हो जाती है ठीक है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रोन्स को भी यूज किया जाता है टू सप्लाई ड्रग्स एंड वेपन अक्रॉस बॉर्डर इन पंजाब एक मूवी भी आई थी इस पे उड़ता पंजाब वो ड्रग प्रॉब्लम दिखाने के लिए ठीक है तो पंजाब में भी ड्रग की प्रॉब्लम्स जो है ये काफी ज्यादा वहां पे फैल गई है डार्क नेट को भी आप यूज करते हो देखो डार्क नेट होता है अब आपका दे दे जो हैं आर ट्रेडिशनल ड्रग मार्केट्स बिकॉज ऑफ एनोनिमिटी एंड लो रिस्क आप डार्कनेट में क्या करते हो इसको आप लोकेट नहीं कर पाते हो जो आपके ब्राउजर्स हैं कॉमन ब्राउजर्स हैं ये इसको लोकेट नहीं कर पाते डार्कनेट को ये छुपा हुआ है बाकी सबसे तो डार्कनेट में कैसे स्मगलिंग uh, होती है सेल कैसे होता है वो देखना भी काफी ज्यादा मुश्किल है इसके लिए कुछ स्पेशल ब्राउजर्स हैं जैसे सॉफ्टवेयर है जैसे टॉल uh, ब्राउजर हो गया वो हमें अवेल करवाते हैं डार्क नेट अगर आप आइसबर्ग की एग्जाम्पल देखो इतना आइसबर्ग है जो हमें वो दिखता है और इतना है समंदर में जो हमारे नजरों से छुपा हुआ है तो डार्क नेट वही वाला एरिया है जो हमारी नजरों से छुपा हुआ है ठीक है वहां पे इसकी सेल स्मगलिंग इजी हो जाती है क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट्स होती है तो आपके पकड़ने क्योंकि वर्चुअल करेंसी है सारा डिजिटल हो गया है तो आपके फंसने के चांसेस भी कम है इस वजह से भी जो ड्रग पेडलिंग है ड्रग स्मगलिंग है काफी इजी हो गई है डिमांड ड्यू टू कंट्रास्टिंग इकोनॉमिक फैक्टर्स अब देखो जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी वहाँ पे ड्रग पेडलिंग की वहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स भी ज्यादा होंगे क्योंकि है ही नहीं कोई प्रोडक्टिव काम ही नहीं करने को साथ में डिप्रेशन इतना हो गया है लोगों में कि उनको एक ईजी वे आउट लगता है अपनी प्रॉब्लम से स्केप रूट ढूंढते हैं वो और ड्रग्स उनको एक ईजी वे आउट लगता है ठीक है और एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है दूसरा लोगों के पास कुछ ज्यादा पैसा हो गया है तो करे क्या चलो फिलहाल नशा ही करते हैं तो ऐसा कुछ हाल हो गया है इसी वजह से सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गया स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में ठीक है चैलेंजेस फेस्ड बाय इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लैक ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन स्टेट्स क्योंकि इसमें स्टेट्स के बीच में काफी कोऑर्डिनेशन स्टेट सेंटर स्टेट स्टेट कोऑर्डिनेशन होना काफी जरूरी है क्योंकि ट्रांसनेशनल और ट्रांस uh, स्टेट्स काफी ज्यादा जो है ड्रग स्मगलिंग वो होती है इसीलिए वो इंटेलिजेंस शेयरिंग इंपॉर्टेंट है लेकिन वो उतनी है नहीं डेवलप्ड तो इस वजह से भी उनको पकड़ना काफी मुश्किल हो गया है ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्टेप्स टेकन टू टैकल ड्रग मैनेस अब क्या 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 स्टेप्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अडॉप्ट किया थ्री प्रॉन्ग्ड अप्रोच इसमें क्या है इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स को आप स्ट्रेंथन करो एम्पावर करो जो भी एजेंसीज इसके रिलेटेड हैं काम करती हैं और लॉन्च करो अवेयरनेस कैंपेन ठीक है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट नाइनटीन एटी फाइव ये प्रिंसिपल लेजिलेशन है जो रेगुलेट करता है ऑपरेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसिस ठीक है ये आपको एक फ्रेमवर्क देता है फॉर पब्लिशिंग

ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन एक नाको कोऑर्डिनेशन सेंटर है एनसीओ आर डी है एक आपका मल्टी एजेंसी मैरिटाइम सिक्योरिटी ग्रुप है सेटअप अंडर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरियट मोनिटर ये भी मॉनिटर करता है स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स थ्रू सी रूट कॉपरेशन विद अदर कंट्रीज आप देखो आईसीजी आपका है इंडियन कोस्ट गार्ड वो क्या करता है वो कॉपरेट करवाता है कोस्ट गार्ड ऑफ श्रीलंका मालडिवजन बांग्लादेश आईसीजी श्रीलंका मालदीव एंड बांग्लादेश हो गई है एनसीबी की कैपेसिटी पहले उसके रीजनल सिर्फ मुंबई कोलकाता में थे बट नाउ इट इज बींग एक्सपेंडेड इन रीजनल ऑफिस लाइक अमृतसर चेन्नई ठीक है लॉन्च ऑफ निदान नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नाको ऑफेंडर्स पोर्टल ठीक है ये क्या पोर्टल है ये एक डेटाबेस प्रिपेयर करेगा जो भी अरेस्टेड नाकोटिक ऑफेंडर्स हैं उनका एक डेटाबेस प्रिपेयर करेगा ताकि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी ऑफेंस हो तो आपके पास सर्च ऑपरेशन के लिए इजी हो जाए क्योंकि पहले से एक ऑफेंडर्स की जो लिस्ट है डेटाबेस है वो तैयार होगा अब ये देख लेते हैं थोड़ा बॉक्सेस में नाकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऐसे क्वेश्चन फ्री में स्टेट सिविल सर्विसेज या यू में भी अगर उनकी मर्जी हो पूछ सकते हैं uh, इसका जेनेसिस का हुआ था इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में अंडर एनडीपीएस एक्ट ये क्या करता है कोऑर्डिनेट करो एक्शन बाय वेरियस ऑफिसर्स जो अंडर एनडीपीएस एक्ट 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 हैं कस्टम्स ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स ठीक है, है Act, उनके आपस में कोऑर्डिनेट करें इंप्लीमेंट करो ऑब्लिगेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ काउंटर मेजर्स अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक अंडर द वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशन ठीक है इसके अंडर जो भी ऑब्लिगेशन आती है इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंडर जो भी ओब्लीगेशन आती है इलिसिट ट्रैफिक को लेके उनको आप ओब्लीगेशन uh, है इसकी वो इम्प्लीमेंट करना असिस्टेंस टू कंसर्न अथॉरिटीज़ इन फॉरन कंट्रीज ठीक है उनको असिस्ट करना कॉर्डिनेशन ऑफ द एक्शन टेकन बाय अदर कंसर्न मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टिव मैटर्स रिलेटेड टू ड्रग अब्यूज ठीक है ड्रग अब्यूज से रिलेटेड अगर कोई और मिनिस्ट्री में भी कोई एक्शन लिया गया है तो उनके साथ भी कॉर्डिनेट करना पावर्स इसके ऊपर सिविल कोड के दैट मीन्स ये ट्राई कर सकता है ऑफेंडर्स को ठीक है ट्राइंग सूट अंडर किसके अंडर आता है सिविल प्रोसीजर कोड नाइनटीन हंड्रेड एट अब बाकी इनिशिएटिव क्या लिए हैं इंडिया ने टू तो टैकल दिस मैनिस पहले नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन फॉर 2018 टू 2025 ये क्या करता है एम रिडक्शन ऑफ द एडवर्स कॉन्सिक्वेंस जो होते हैं ड्रग अब्यूज के थ्रू मल्टी प्रॉन्ट स्ट्रेटेजी नशा मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च हुआ था 2020 में इन टू सेवन टू तो आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्स ठीक है ये भी थ्री प्रॉन्ट अटैक जो है करता है कंबाइन करता है ये सप्लाई कर बाई एनसीबी आउटरीच एंड अवेयरनेस को इन डिमांड रिडक्शन एफर्ट बाई डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड ट्रीटमेंट भी इसमें आती है नशा मुक्त भारत में थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट ठीक है थ्री प्रॉन्ट स्ट्रेटेजी है इसकी सप्लाई कप करना आउटरीच आउटरीजन अवेयरनेस को लेके एंड ट्रीटमेंट को लेके भी ठीक है थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट फिर आगे आपके मैप ड्रग्स ये एक मोबाइल ऐप है जो हेल्प करता है आइडेंटिफाई डिस्ट्रक्शन ऑफ इलीगल फार्मिंग जो भी ड्रग्स की होती है खेती उसको डिस्ट्रॉय करना और आइडेंटिफाई करना और इंडिया जो है फॉलोइंग कन्वेंशन का यू ट्रीटीज़ और कन्वेंशन का सिग्नेटरी है यू सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स 1961 कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971 कन्वेंशन ऑन इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988 ठीक है ये कुछ पॉइंट्स है जो आप मेन्स पर्सपेक्टिव से याद रख सकते हैं जैसे ये इसका स्कीम का नाम हो गया नशामक भारत कैंपेन अगर आपको इसके ऑब्जेक्टिव ना भी याद हो सिर्फ नाम याद रहे ऐसा एन ए पी डी डी आर प्लान या नशा मुखभारत ये आप कहीं पर लिख सकते हैं चाहे वो एस ए में भी लिख सकते हैं किसी का अगर सोसाइटी रिलेटेड कुछ ऑप्शनल है उस उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीजें आ जाती हैं और आपका जो जी है वो तो है ही वे फॉरवर्ड क्या है शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आइसोलेशन में काम करती है लेकिन करना नहीं चाहिए क्योंकि अक्रॉस दी बॉर्डर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो है वो उसके इम्पैक्ट में होती है कहीं इसका ओरिजिनेशन होता है कहीं पे सप्लाई होता है तो इंटेलिजेंस शेयरिंग इंपॉर्टेंट है एनहस करो टेक्निकल केपेबिलिटीज हमारे पास अब टेक्स जमाना है ठीक है टेक्स से भी वर्ल्ड में हम रहते हैं तो ब्लॉक एनालिसिस मैप इंटेलिजेंस डिजिटल फॉरेंसिक्स को यूज करें इसको कर्प करने के लिए जो भी डार्कनेशन क्रिप्टो करेंसी से इसका स्प्रेड हो रहा है उसको कर्ब करने के लिए फोकस ऑन दी सोर्स ऑफ सप्लाई ड्रग पेडलर्स को पकड़ना सिर्फ हमारे लिए जो है हमारा मेन ये नहीं होना चाहिए फोकस हमें इसका सब सोर्स जो है वो लोकेट करना है क्रिएट करो अवेयरनेस अमंग दिटिजन डी एडिक्शन सेंटर्स जो है इस्टेब्लिश करो एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट ठीक है जो पनिशमेंट अंदर एनडीपीएस है वो ऐसी होनी चाहिए जिस क्वान्टिटी का आप जो ड्रग है, वो रिकवर हुआ है उसी अकॉर्डिंग की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लो इंडिया में नाकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक्स एक्ट के अंडर प्रोहिबिट किया गया यूज ऑफ साइकेटलिक सबस्टेंसिस ठीक है किटामिन जो है इस, ये इसमें साइकेटलिक प्रॉपर्टीज पाई गई है और ये यूज कर सकते हैं सिर्फ अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन फॉर एनेजिया पर्पजेस ठीक है अब साइकोटलिक सब्सटेंसेज क्या होता है क्लास ऑफ प्रो एक्टिव साइको एक्टिव सब्सटेंसेज है जो प्रोड्यूस करते हैं चेंजेस इन परसेप्शन मूड एंड कग्नेटिव प्रोसेस मतलब जो आपके मेंटल प्रोसेस पर अटैक करते हैं आपका मूड परसेप्शन चेंज करते हैं इन सिंपल बज आपने एक मूवीज में भी देखा होगा हेल्यूसिनेशन होती हैं लोगों को कि ऐसा कुछ उनको सामने लगता है हो रहा है जो एक्चुअली में नहीं हो रहा है उनको कोई इंसान सामने दिखता है जो एक्चुअली में नहीं दिख रहा होता है तो ये सबस्टेंस इंड्यूस करने से आप हेल्यूसिनेट करने लगते हो ये नॉन एडिक्टिव नॉन टॉक्सिक है आप जो ये साइकेडेलिक होते हैं ये नेचुरली भी आकर करते हैं ठीक है और ये लेबोरेटरीज भी बनाए जाते हैं जिनको हम हाँ, सिंथेटिक सिंथेटिक साइकेडेलिक्स बोलते हैं नेचुरली ट्रीज वाइन सीड्स फंगाई लीव्स ठीक है ये सारी चीजें तो आपको पता है ये इनमें आकर करते हैं जो मैजिक मशरूम्स है और साइलोसाइबिन आर नेचुरली अकरिंग एंड आर कंज्यूम्ड फॉर देयर हेल्यूसिनोजनिक इफेक्ट ठीक है इनको इसे कंज्यूम किया जाता है नेचुरली अकरिंग ये एक साइकेडेलिक सब्सटेंस है ठीक और सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग साइकेडेलिक इंक्लूड मेस्किलीन डिराइड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन पियोड कैक्टस और एनएन डाई मिथाइल ट्रिप्टीन ठीक है ये कुछ नेचुरली आकड़िंग है और कुछ सिंथेटिक साइकेटलिक्स भी होते हैं जिनको लैब में बनाया जाता है ये आपके साइकेटलिक है यहाँ पे बैंड है अब न्यूज इन शॉर्ट देख लेते हैं थर्मोबारिक बॉम्ब बॉम्ब अब ये जो ह्यूमन राइट ग्रुप है उन्हें अक्यूज किया है म्यानमार्स मिनिस्ट्री ऑफ यूजिंग थर्मोबारिक बॉम्ब ठीक है अब थर्मोबॉरिक थर्मोबारिक बॉम्ब होता क्या है ये इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्यूल कंटेनर इसमें दो एक्सप्लोजिव चार्जेस होते हैं ठीक है थीके? पहले चार्ज में क्या होता है कंटेनर जो ओपन करता है एक फ्यूल सा स्कैटर हो जाता है फ्यूल ठीक है ऐसे वो एक क्लाउड जैसा बन जाता है सेकेंड एक्सप्लोजन क्या होता है ये जो क्लाउड बन गया होता है ये फट जाता है ये एक्सप्लोर होता है और एक मैसिव ब्लास्ट हो जाता है जैसे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है ठीक है जो फर्स्ट एक्सप्लोजिव चार्ज है इट ओपन कंटेनर एंड वाइडली स्कैटर्स फ्यूल मिक्सचर एज ए क्लाउड एक क्लाउड की तरह वो ऐसे फैल जाता है यहाँ डायग्राम में दिखाया है फिर बाद में वो जो क्लाउड है वो एक्सप्लोर हो जाता है सेकेंड चार्ज दैट देन डेटोनेट्स द क्लाउड रिजल्टिंग इन ए ह्यूज फायर बॉल अ मैसेव ब्लास्ट वेव एंड एंडक्यूम विच सक्सेराउंडिंग ऑक्सीजन दे आर नो इंटरनेशनल लॉ स्पेसिफिकली बैनिंग देर यूज इसके लिए अभी कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं आया है ऐसा क्वेश्चन जो है वो प्री में पूछा जा सकता है फिर आपका आ गया खोरम शहर फोर बैलिस्टिक मिसाइल अब देखो मिसाइल के काफी टाइप्स हैं आपका सरफेस टू तो सरफेस मिसाइल है ठीक है एंटी टैक मिसाइल है एंटी तो एयरक्राफ्ट मिसाइल है एयर टू एयर मिसाइल है वैसे आपका बैलिस्टिक मिसाइल भी एक टाइप है ये एक प्रोजेक्टरी फॉलो करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ठीक है तो ये आप रॉकेट से इनिशिएट करते हो एक बार इनिशिएट हो गया फिर इसके जब अपना काम कर रहा होगा जहां इसको जाना है आपको उसको वहां हवा में कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है ये एक

मुस्लिम्स ने इन सेवेंटीन सेंचुरी खुरम शहर फोर है ये देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट ये है किस सिटी के वगैरह ईरान की तो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है खुरम शहर जो है ये ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये टू थाउजेंड किलोमीटर रेंज का है विद अ फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर वॉर हेड ठीक है फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर वॉर हेड जो है केपेबल है ऑफ डिलीवरिंग ये मॉडल किया गया है आफ्टर नॉर्थ कोरियाज मुसूदान बैलिस्टिक मिसाइल ये प्रोजेक्टाइल मोशन यूज करता है टू डिलीवर न्यूक्लियर जो मैंने अभी आपको बोला और कन्वेंशनल टारगेट दे आर पावर्ड इनिशियली बाय रॉकेट रॉकेट से पावर कर दिया उसके बाद एक नाइट होने के बाद हमें इसको बाद में कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट प्रोजेक्टरी जो है वो फॉलो करेगा इंडियन नेवल सेलिंग वेसल आई एस आई आई एन एस वी तरीनी ठीक है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तरीनी जो है रिटर्न किया इसने इंडिया आफ्टर अ ट्रांस ओशनिक इंटर कॉन्टिनेंटल दैट एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक गया है इसने अपना वो जो वो जो जर्नी कंप्लीट किया वो कहां से कहां तक गया गोवा टू रियो रियो वाया केप टाउन एंड बैक ठीक है गोवा से वहां वहां से वापस अब गोवा कहाँ है इंडिया में और रियो कहाँ है ब्राजील में तो बीच में आपका कौन सा आ गया एटलांटिक तो वो कवर करके ये रियो गोवा से रियो पहुंचा रियो से वापस गोवा इट इज अ पार्ट ऑफ रन एक नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट का टू सेंड अ वुमेन टू सर्कम नेविगेट द ग्लोब सोलो ठीक है एक औरत को सर्कम नेविगेट पूरा ग्लोब का चक्कर काटने के लिए उसको भेजा जाएगा ये उससे पहले का एक आप बोल सकते हो प्री करसर है टू थाउजेंड सेवेंटीन का जो एक्सपेक्टेशन था नवे का सागर परिक्रमा उसके लिए जाना जाता है दैट वॉज एन ऑल वुमेन क्रीम अब रिसेंटली कुछ एक्सरसाइजेस न्यूज में थी इनका बस आपको नाम याद रखना है कौन सी एक्सरसाइज किस कंट्री की थी समुद्र शक्ति ट्वेंटी थ्री एक इंडिया इंडोनेशिया बायलेटरल एक्सरसाइज थी जल राहत फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज दैट वॉज ज्वाइंटली कंडक्टेड बाई इंडियन आर्मी एस शास्त्र सीमा बल ठीक है एनडीआरएफ नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ एस डी आर एफ एंड डी डी एम ए डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहाँ पे हग्रमा ब्रिज ऑन मानस रिवर इन आसाम सुदर्शन शक्ति ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये किसने कंडक्ट किया था सप्ताह शक्ति कमांड ऑफ इंडियन आर्मी कहाँ पे राजस्थान और पंजाब के ज अल मोहिंदी थ्री ये किन के बीच में हुआ है इंडियन नेवी एंडल आर एस एन एफ के बीच में आसियान ट्रेड इंडिया मेरी टाइम एक्सरसाइज ए आई एम ई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये रिसेंटली इनोग्रेट हुई आसियान इंडिया मेरी टाइम एक्सरसाइज चाहिए यह अभी हार्बर फेज में कहा पे हुई थी चंगी नेवल फेज में नेवल बेस ऑफ सिंगापुर नेवी और सी फेज में कहाँ पे साउथ चाइना सी में देखो मेरी टाइम एक्सरसाइज के अलग अलग फेजेस होते हैं हार्बर इसका स्टार्टिंग फर्स्ट फेज होता है जहाँ मोस्टली ग्राउंड वर्क किया जाता है फिर आगे जो डायनामिक एक्सरसाइजेस हैं जो डायनामिक इसका वो कलर है वो कहाँ उसको मिलता है अपने दूसरे फेज में ठीक है पहले कौन सा आपका हार्बर फेज वो कहाँ पे होता है चंगी नेवल में और दूसरा फेज है सी फेज यहाँ पे फिर डायनेमिक इसके ऑपरेशन होते हैं और मोस्टली जो ग्राउंड वर्क होता है वो स्टार्टिंग हार्बर फेज में होता है पार्टिसिपेंट्स कौन थे आई एन एस डेली सतपुरा एम पी एट आई मेरी पेट्रोल एयरक्राफ्ट उन्हें पार्टिसिपेट की ये क्या करेगा प्रमोट करेगा जो आपका आसियान ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारी कंट्रीज आती हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में है ठीक है इन कंट्रीज का जो आपस में कॉपरेशन है इस एम टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री से और ज्यादा उनका मेरी टाइम कोऑपरेशन जो है वो प्रमोट हो जाएगा फाइन तो ये हमारा खत्म होता है सिक्योरिटी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन कंप्लीट करेंगे टिल देन बाय बाय हैव अ ग्रेट डे और प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड डू प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूं यू विल गेट नोटिफाइड टिल देन बाय बाय हैव अ ग्रेट डे